तो दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन के तीसरे सीजन का दोस्तों पूरा रिव्यू लेके मैं हाजिर हूं। और आज मैं बताने वाला हूं कि साउथ अफ्रीका को कितने रन के लिए अभी पड़ी हुई है भारतीय टीम के तरफ से, और दोस्तों अभी साउथ अफ्रीका को क्या फॉलो ऑन मिलने वाला है इस इनिंग में। तो दोस्तों पूरे डिटेल के साथ मैं बात करने वाला हूं, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरा दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेकंड सेशन में कितना था साउथ अफ्रीका का स्कोर। तो सेकंड सेशन में साउथ अफ्रीका का स्कोर था 197/8 विकेट लॉस। तो वहीं पे अगर बात करें कौन सा खिलाड़ी खेला था, यहाँ फिलेंडर 23 रन बनाए 21 पे मौजूद थे, तो वही केशव महाराज 21 रन बनाए 21 पे मौजूद थे। अब दोस्तों हम बात करें लास्ट सेशन में साउथ अफ्रीका कितना स्कोर है, तो साउथ अफ्रीका 275 रन पे ऑल आउट हो गई है, जहाँ पे फिलेंडर 44 रन बना के नॉकआउट रहे। तो वही महाराज ने शानदार 72 रन की पारी खेली और कगिसो रबाडा 2 रन बना के पवेलियन लौट गया। तो दोस्तों ये था, और लास्ट सेशन में काफ़ी फाइट की थी फिलेंडर और केशव महाराज ने, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की थी 110 रनों की, और इससे टीम इंडिया के लीड पे काफ़ी फर्क पड़ा है। क्योंकि एक तरफ जहां पे लग रहा था कि टीम इंडिया 450 रन का लीड दे देगी साउथ अफ्रीका को, लेकिन केशव महाराज और वर्नॉन फिलेंडर के इनिंग के बाद भारत की रह गई है लीड केवल 326 रन की। लेकिन दोस्तों अभी तक ये नहीं माना जा रहा है, क्योंकि फॉलो ऑन का जो खतरा है वो अभी तक अफ्रीका के ऊपर बना हुआ है। विराट कोहली और टीम इंडिया ने अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं किया है कि क्या अफ्रीका को ये फॉलो ऑन देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेरे तरफ से माने तो अफ्रीका को विराट कोहली का जैसा एटीट्यूड और पैशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली अभी इन्हें फॉलो ऑन देने वाले हैं। टीम इंडिया करने वाली है बैटिंग, लगभग 2 सेशन तक करेगी बैटिंग, और 550 रन का लीड देना चाहेगी अफ्रीका को, जिसके कारण उन्हें आखिरी का इनिंग जो रहेगा वो अफ्रीका को भारतीय पिच पे खेलना पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय पिच चौथे और पांचवें दिन कैसा रिएक्ट करती है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली 2 सेशन खेलेंगे, जिसमें टीम इंडिया कम से कम 250 रन बना के अफ्रीका के ऊपर लीड देगी, और उसके बाद अफ्रीका करेगी बल्लेबाजी। अब दोस्तों हम बात कर लें भारतीय गेंदबाजों की तरफ से कौन कितना विकेट लिया है। तो अगर बात करें उमेश यादव ने जहाँ 3, रविंद्र जडेजा ने 1, मोहम्मद शमी ने 2, और वही रविचंद्रन अश्विन सबसे ज़्यादा 4 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। और इससे ये पता चलता है कि पूरे बॉलिंग एफर्ट है भारतीय टीम की, जिसके कारण इतना शानदार बॉलिंग का नमूना पेश किया है। वही ईशांत शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला इस इनिंग में। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों ये था पूरे सेशन का रिव्यू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म।